हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी शीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं। एक एक क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, एक भी क्वेश्चंस को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक लास्ट तक पहुंचेगा। बीच में धैर्य मत छोड़िएगा दोस्तों, क्योंकि जो लगातार नहीं बन सकता है, धैर्य जिसके पास नहीं है उसको सफलता में बहुत दिक्कत होती है। जिसके पास धैर्य है, लगन है एंड कंसिस्टेंसी है, लगातार काम कर रहा है, उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चंस देखिएगा। एंड दोस्तों, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चाहे कोई भी कंपटीशन का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेरे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियोज अवेलेबल हैं। थ्योरी सेशन चैप्टर वाइज एक एक करके पढ़ाया गया है, वो भी अच्छे ढंग से, एंड चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस भी कराया गया है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस 79-80 वीडियोज का मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराया हुआ है। एंड डेली बेसिस से मैं आपको प्रैक्टिस करा ही रही हूँ। 2024 के सेशन में ये 49वां वीडियो है। एंड दोस्तों, फिर से मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रैक्टिस कराने की सोच रही हूँ। तो दोस्तों, आप डेली बेसिस से बस मेरे साथ बने रहिए और डेली बेसिस पे कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, डेली अपने लिए प्रैक्टिस का टाइम निकालिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, हार्ट के पहले पंप को क्या कहते हैं, यानी आपके हृदय के पहले पंप को क्या कहते हैं। तो दोस्तों सोचिए, इसका राइट आंसर दीजिए। ए भी नोड की ऐसे नोड की सेप्टम की हिंज बंडल क्या कहते हैं दोस्तों। तो हार्ट के पहले पंप को कहते हैं एसए नोड। एसए मतलब साइनो एट्रियल नोड। दोस्तों, जैसा कि आपने सुना होगा, साइनो एट्रियल नोड होता क्या है, जो हृदय की जो क्रिया होती है यही से शुरू होती है। जैसे कि जो साइनो एट्रियल नोड होता है, इसको पेस मेकर भी कहा जाता है, हृदय गति नियंत्रक। यह हृदय की धड़कन जो है दाहिने अलिंद की ऊपरी भाग में स्थित होती है और इसे साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, जो हृदय की क्रिया को क्या करती है, गति को निर्धारित करता है और लयात्मक संदेश भेजता है। तो जब जो है मस्तिष्क से या जो हमारा मेडुला ओब्लॉन्गेटा होता है, यही हृदय गति एंड पाचन क्रिया सर्कुलेशन सबका केंद्र होता है, वहां से आवेग जब आता है, विद्युत तंत्रिका आवेग, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, तो सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड पर आता है और अलिंद के सुपीरियर वेना कावे के नीचे स्थित होता है और फिर यहां से राइट एंड लेफ्ट अलिंद में जाता है, जिससे दोनों अलिंद क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और फिर ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड जो कपाट होते हैं वो बंद हो जाती है, जिसके कारण प्रथम ध्वनि सुनाई देती है लब। ठीक है, हृदय जो साउंड होता है लब डब इस प्रकार के होता है। तो प्रथम ध्वनि कैसा होता है, लब। जब दोनों कपाट, चार कपाट होते हैं, दोनों ट्राइकास्पिड एंड बाइकास्पिड कपाट जब बंद होते हैं तो लब ध्वनि सुनाई देता है, यानी कि हृदय के प्रथम पंप होता है या प्रथम ध्वनि सुनाई देती है। फिर यसे नोड से आवेग कहां जाएगा, अलिंद से निलय में जाएगा। ठीक है, साइनो एट्रियल नोड से अब जाएगा एवी नोड पर, यानी कि जहां पे अब निलय यानी कि वेंट्रिकुलर जो है वह कांटेक्ट होगा। इस प्रक्रिया में एट्रियल सिस्टोल वेंट्रिकुलर सिस्टोल के बीच कुछ समय की रुकावट होती है, तब हृदय आराम की स्थिति में होती है, सभी अलिंद और निलय शिथिलन अवस्था में होता है, 0.4 सेकेंड इसमें लगता है। और इसमें क्या होता है, दोनों जो पल्मोनरी वाल्व एंड एरोटिक वाल्व बंद होते हैं तो दूसरा ध्वनि सुनाई देता है, जिसे डब कहते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। एंड दोस्तों, नेक्स्ट है, एक हाथ में कितने फ्लैंजेस होते हैं, यानी उंगलियां आपके हाथ में, एक एक हाथ में कितनी होती है, तो 14 होती है। कितनी होती है दोस्तों, 14, यानी दोनों मिला के 28। एंड नेक्स्ट है,
जोरदार आघात यानी शॉक के कारण टेंडन के फाइबर टूट जाए तो उसे क्या कहते हैं। तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया हुआ है, जब टेंडन एंड मसल्स का चोट पूछे तो वहां पे स्ट्रेन होगा, जब लिगामेंट का चोट हो तो उसको स्प्रेन यानी मोच कहेंगे, टेंडन या मसल्स का चोट को हम खिंचाव कहेंगे, स्ट्रेन कहेंगे। तो दोस्तों टेंडन जो होता है कंकाल यानी स्केलेटल मसल्स को हड्डियों के साथ जोड़ता है उसे टेंडन कहते हैं, और लिगामेंट जो होता है दो हड्डियों को जोड़ों पर जोड़ता है उसको लिगामेंट कहते हैं। तो दोस्तों टेंडन या फाइबर के टूट जाने से उसको कहते हैं खिंचाव यानी स्ट्रेन। यहाँ पे राइट आंसर क हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खेल में ACE शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ACE शब्द का जो प्रयोग है ब्रिज एंड टेनिस दोनों में किया जाता है, ब्रिज एंड टेनिस दोनों में किया जाता है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर घ, क और ख दोनों। नेक्स्ट दोस्तों, खेलों की जननी यानी मदर ऑफ स्पोर्ट्स किसे कहा जाता है। तो कई बार मैंने बताया हुआ है खेलों की जननी यानी मदर ऑफ स्पोर्ट जिम्नास्टिक को बोला जाता है, एंड खेलों की रानी यानी कि क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स एथलेटिक को बोला जाता है, दोनों चीजें याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, मैराथन क्या है। तो दोस्तों मैराथन एक स्थान था जिसके बारे में मैराथन वाले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यूनान में युद्ध के मैदान का एक नाम है। नेक्स्ट है NNIPE यानी नेशनल इंस्टीट्यूट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर का शिलान्यास किसने किया था। तो दोस्तों इसका शिलान्यास किया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा 16 अगस्त 1957 को, और जो मध्य प्रदेश ग्वालियर में बनाया गया, और इसके पहले आचार्य थे PM जोसेफ, और ताराचंद कमेटी के सुझाव पर यह बनाया गया। नेक्स्ट है, वर्तमान 2021 में भारत के खेल मंत्री का क्या नाम है। तो दोस्तों अभी तक 2024 में भी खेल मंत्री स्पोर्ट मिनिस्टर जो है, और खेल युवा मामले के मंत्री हैं कौन, अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, अनुराग ठाकुर हैं, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। नेक्स्ट है, इसके पहले राजवर्धन सिंह राठौर थे। नेक्स्ट दोस्तों, साई का पश्चिम केंद्र कहाँ स्थित है। तो दोस्तों साई का जो पश्चिमी केंद्र है, साई के मुख्य रूप से 6 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जिसका ट्रिक मैंने आपको साई वाले वीडियो में बताया हुआ है, चंगाई बंदी, चंगाई मतलब च से चंडीगढ़ जो उत्तरी केंद्र है, गा से गांधीनगर जो पश्चिमी केंद्र है, ई से इम्फाल जो उत्तर पूर्वी केंद्र है, ब से बंगलौर दक्षिणी केंद्र है, डी से दिल्ली केंद्रीय केंद्र है, एंड क से आपका हो जाएगा कलकत्ता पूर्वी केंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे जो है साई का पश्चिमी केंद्र की बात बोल रहा है, तो यहाँ पे कलकत्ता जो पश्चिम बंगाल है एंड आपका गांधीनगर, तो ये दोनों आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग गांधीनगर एंड गुजरात। साई यानी स्पोर्ट और अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 25 जनवरी 1984 को किया गया था। नेक्स्ट है, बैक अटैक का संबंध किस खेल से है। तो बैक अटैक का संबंध खो खो से है। नेक्स्ट दोस्तों, हमारे मस्तिष्क में रिलीज सेंटर का कार्य कौन करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कि हमारे मस्तिष्क में रिले सेंटर का कार्य कौन करता है। तो दोस्तों इसका कार्य करता है थैलेमस। कौन करता है, थैलेमस। ठीक है, रिले सेंटर का कार्य करता है थैलेमस, जो हमारे नर्वस सिस्टम है उसमें 3 भागों में बांटा गया है, CNS, PNS एंड ANS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जिसमें से CNS जो होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा मस्तिष्क यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है,
हमारे ब्रेन को तीन भागों में बांटा गया है, फोर बीन, मिड बीन एंड हिंड बीन, यानी अग्र बीन, मध्य बोन ब्रेन एंड पश्च बीन। अग्र ब्रेन में हमारा प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम एंड लिम्बिक सिस्टम आता है, एंड थैलेमस और हाइपोथैलेमस। और मध्य ब्रेन में हमारा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना सेरिब्रल पेनिकल एंड और पश्च ब्रेन में हिंद ब्रेन में सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लॉन्गेटा आता है। जो प्रमस्तिष्क होता है सभी सोचने समझने तर्क का केंद्र होता है, एंड जो आपका थैलेमस होता है दोस्तों ठंडा गर्म और दर्द का अनुभव कराता है। और सभी संवेदी कोशिकाओं के झुंड से थैलेमिक केंद्र बना होता है रिले स्टेशन। दोस्तों यह सेंसरी तंत्रिका जो न्यूरॉन्स होते हैं वहां से आए हुए आवेगों यानी संदेशों को सेरेब्रम से संबंधित क्षेत्र में भेजते हैं। और क्योंकि यहाँ आवेग पहले थैलेमस के पास आते हैं, जैसे कि आप ट्रेन पे यात्रा करते हैं, बस पे यात्रा करते हैं, एक स्टेशन होता है वहां पे रुकते हैं, फिर आप चेंज करते हैं, दूसरी जगह जाते हैं, कहीं और जाना होता है, तो उसी प्रकार जब सेंसरी न्यूरॉन्स से आवेग यानी संदेश आते हैं ज्ञानेंद्रियों से सेंसरी ऑर्गन से, तो वह जो संदेश होते हैं पहले थैलेमस के पास आते हैं, फिर थैलेमस इसको सेरेब्रम से संबंधित क्षेत्र में भेजता है, यानी कि स्टेशन पर रुकता है। इसी प्रकार सेरेब्रम के संबंधित क्षेत्र में के मोटर तंत्रिका से आए हुए आवेगों को मस्तिष्क संबंधित अंग तक भेजने का कार्य भी यह करता है, यानी कि रिले स्टेशन के रूप में कार्य करता है और यह एक अंग की तरह कार्य करता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, किस खेल में सबसे अधिक दुर्घटनाएं होती हैं? तो दोस्तों जो है जूडो एंड बास्केटबॉल में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से क्या विषम है? दोस्तों ये ग्राउंड का जो लाइन होता है उसकी चौड़ाई की बात कर रहा है, तो खो खो के लाइन की चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, हॉकी की 7.5 सेंटीमीटर यानी 3 इंच, और ट्रैक जो हम बनाते हैं 400 मीटर 200 मीटर का, उसमें जो ट्रैक जो लाइन की चौड़ाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है, जबकि फुटबॉल में 12 सेंटीमीटर होती है, इसलिए यहाँ पे यह विषम होगा। फुटबॉल सबसे लंबा सबसे चौड़ा लाइन की मोटाई होती है फुटबॉल में 5 इंच यानी 12.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है दोस्तों, दिन में से क्या विषम है? तो FIG यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल जिम्नास्टिक जो है जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, FIBA बास्केटबॉल से रिलेटेड है, FIVB ये भी वॉलीबॉल से रिलेटेड है, बट AIBA बिलियर्ड से रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर घ। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से क्या विषम है? तो लेग में टिबिया फिबुला बोन पाया जाता है, आपका को राइट है। फिंगर्स को फ्लैंजियस बोलते हैं, भी सही है। फेस में जाइगोमेटिक बोन होता है, भी सही है। हैंड में हाथ में रेडियस एल्ना होता है, जबकि ऊपरी बाह में ह्यूमरस होता है, तो यहाँ पे भी ये राइट होना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा ये अलग है, हैंड की बात कहा है तो हैंड में रेडियस एल्ना हो जाएगा, तो यहाँ पे विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेटो टाइप के स्केल में 117 किसको इंगित करता है? तो दोस्तों जो विलियम सेल्डन है उन्होंने सेल्डन ने मॉडी टाइप को तीन भागों में बांटा है, एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक, जिसमें से एंडोमोर्फिक बॉडी टाइप को एंडोमोर्फिक को गोलकाय, मेसोमोर्फिक को सुडोलकाय एंड एक्टोमोर्फिक को लंबकाय बोला जाता है हिंदी में। जैसे कि एंडोमोर्फिक को बिस्ट्रोटोनिक भी कहा जाता है, यानी कि स्थूलता, मोटा शरीर, कोमल, बहुत खाने की प्रवृत्ति। एंड जो मेसोमोर्फिक होता है वो पेशी प्रधान होता है, जिसको सोमेटोटोनिक भी कहा जाता है, सुडोलकाय बॉडी होता है, अस्थि पंजर पेशियां विकसित होती है, स्वच्छ स्वास्थ्य अच्छा, वदन फुर्तीला, साहसी, उत्साही, निडर, सशक्त, अधिकारपूर्ण प्रवृत्ति का होता है।
एंड जो एक्टोमॉर्फिक होता है वह अस्थि प्रधान संरचना लंबकाय होता है, जिसको सेरेब्रोटोनिक भी कहा जाता है प्रमस्तिष्क प्रधान, क्योंकि इसका यह ज्यादा बुद्धिमान होता है, और एक्टोमॉर्फिक लंबा दुबला पतला कमजोर सुंदर होता है, और एकांतप्रिय असामाजिक अंतर्मुखी भावनाओं को दबाकर रखने वाला, दूसरों की सहायता लेने से अपेक्षा करता है, अपनी सीमाओं में रहने का पसंद करता है, जैसे कि सहनशीलता एंडोरेंस वाले एथलेटिक वाले जिम्नास्टिक में ये ज़्यादा अच्छा होते हैं एक्टोमॉर्फिक बॉडी वाले। लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है 117 को क्या इंगित करता है सोमेटोटाइप, तो इन्होंने उनको 1 से मतलब है सबसे कम और 7 से मतलब है ज़्यादा। तो यहाँ पे ज़्यादा का मतलब आपको लेना है 117 यानी कि तीसरे स्थान पर क्या आता है आपका एक्टोमॉर्फिक, यानी कि 7 का मतलब ज़्यादा, यहाँ 117 का मतलब है कि एंडोमॉर्फिक एंड मेसोमॉर्फिक कम एंड ज़्यादा किसकी मात्रा एक्टोमॉर्फिक की, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका एक्टोमॉर्फिक। ठीक है, अगर कहीं आपका यहाँ पे होता 7-1-1 तो यानी कि एंडोमॉर्फिक की ज़्यादा मात्रा यानी एंडोमॉर्फिक बॉडी होता, और मेसोमॉर्फिक का क्या हो जाता 1-7-1, ये आपका मेसोमॉर्फिक का बनेगा, ये आपका एक्टोमॉर्फिक का बनेगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे जो आपका एंडोमॉर्फिक का सोमेटोटाइप स्केल क्या बनेगा 7-1-1। ठीक, और मेसोमॉर्फिक का क्या बनेगा 1-7-1। ठीक, और एक्टोमॉर्फिक का यहाँ पे दिया हुआ है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर लंबी कूद में टाई पड़ जाए तो निर्णय किस बेस पर लिया जाएगा, तो दोस्तों इस कंडीशन में जो निर्णय लिया जाएगा वो फिर से एक परफॉर्मेंस लिया जाएगा, तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस के आधार पर लिया जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत किसे माना जाता है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, और जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवले में। दोस्तों यह उबालने पर नष्ट हो जाता है, यह हमारे कोशिकाओं को परस्पर बांध के रखता है। नेक्स्ट है, केनाइन की संख्या एक वयस्क पुरुष में कितनी होती है, तो दोस्तों दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर केनाइन प्रीमोरल मोरल, जिसको आप कह सकते हैं 4-2-4-6, यानी इंसीजर ऊपर में 16 दांत होते हैं, नीचे में 16, तो ऊपर में 16 इंसीजर 4, केनाइन 2, प्रीमोरल 4 और मोरल 6, तो यहाँ पे केनाइन पूछा है, तो केनाइन ऊपर 2 है नीचे 2, यानी कुल कितने हो गए 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है, पाकिस्तान की हॉकी टीम ने किस ओलंपिक में पहली बार भाग लिया, तो यह 1948 ओलंपिक में पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट दोस्तों, सेमी मेम्ब्रेनियस कहाँ स्थित है, तो दोस्तों जो हमारे जांघ के पीछे की मसल्स होती है जिसे हैमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं, वो 3 पेशियों से मिलकर बना होता है, बाइसेप्स फेमोरिस, सेमी मेम्ब्रेनियस एंड सेमी टेंडेनियस, तो यह कहाँ पे स्थित माना जाएगा, इस प्रकार के क्वेश्चंस पूछ सकता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हैमस्ट्रिंग मसल्स आपका राइट हो जाएगा, और जो हैमस्ट्रिंग मसल्स पूछे, चाहे सेमी मेम्ब्रेनियस पूछे, चाहे सेमी टेंडेनियस पूछे, चाहे बाइसेप्स फेमोरिस पूछे, तो ये हैमस्ट्रिंग मसल्स का ग्रुप है, तो इसका क्या कार्य होता है, हमारे घुटने को या पैर को मोड़ने का काम, फ्लेक्शन करने का काम करता है। नेक्स्ट है, मांसपेशी की किस क्रिया में रेसिप्रोकल इनर्वेशन होता है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन होता क्या है, यानी कि जब एंटागोनिस्ट मसल्स का शिथिल यानी कि विस्तार या रिलैक्स अवस्था एंड एंटागोनिस्ट मसल्स स्थिर हो, उस कंडीशन को रेसिप्रोकल इनर्वेशन कहते हैं, यानी कि रेसिप्रोकल इनर्वेशन में एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट दोनों होता है। मांसपेशी क्रिया में एगोनिस्ट क्या होता है, एगोनिस्ट किसे कहते हैं, जब मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में
जो मसल्स मुख्य भूमिका अदा करती है उसको एगोनिस्ट बोला जाता है। उसके विपरीत जो क्रिया करती है मसल्स उसको एंटागोनिस्ट बोला जाता है। जैसे कि हम डंबल अभ्यास ही कर रहे हैं या अपने हाथ को फ्लैक्शन कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हाथ को मोड़ने में, फ्लैक्शन करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है हमारा बाइसेप्स मसल्स, तो एगोनिस्ट हो गया, एगोनिस्ट कहलाएगा। और फिर उसके विपरीत क्रिया कर रहा है एंटागोनिस्ट। इसी के जस्ट अपोजिट अगर आप कहेंगे तो दोस्तों एंटागोनिस्ट अब कहलाएगा हाथ को मोड़ने में एंटागोनिस्ट विपरीत भूमिका अदा कर रहा है, यानी कि ट्राइसेप्स विपरीत भूमिका अदा कर रहा है, तो ट्राइसेप्स आपका एंटागोनिस्ट कहलाएगा और बाइसेप्स आपका एगोनिस्ट कहलाएगा। इसका विपरीत पोजीशन में जब हम हाथ को फैलाएंगे, एक्सटेंशन मोमेंट करेंगे, उस कंडीशन में एक्सटेंशन करने में मुख्य भूमिका अदा कर रहा है ट्राइसेप्स मसल्स, इसलिए ट्राइसेप्स एंटागोनिस्ट का कार्य कर रहा है। और उसके विपरीत काम कर रहा है बाइसेप्स मसल्स, इसलिए बाइसेप्स मसल एंटागोनिस्ट का काम कर रहा है और ट्राइसेप्स एगोनिस्ट का कार्य कर रहा है। यानी कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने में जो मुख्य भूमिका अदा करता है उसको एगोनिस्ट, जो उसके विपरीत भूमिका अदा करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं। नेक्स्ट है उस मांसपेशी संकुचन को क्या कहते हैं जिसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है और तनाव बना रहता है। तो जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटती बढ़ती है, तनाव बना रहता है, उसको आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में कितने कारक होते हैं। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि फिजिकल फिटनेस दो प्रकार के होते हैं, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में पांच कारक होते हैं। कितने होते हैं? पांच। कौन कौन से? जैसे कि मस्कुलर स्ट्रेंथ, मस्कुलर एंड्योरेंस, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड बॉडी कंपोजिशन। एंड मोटर स्किल रिलेटेड फिजिकल फिटनेस में भी पांच हैं, जैसे कि स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट दोस्तों, पर हेनरिक लिंग का संबंध किस देश से है। दोस्तों पर हेनरिक लिंग का जो संबंध है उनका संबंध है स्वीडन से। किस देश से है? स्वीडन से। पर हेनरिक लिंग जो है स्वीडन में व्यायाम को क्रमबद्ध तरीके से आरंभ करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं और इन्होंने पर हेनरिक लिंग ने जिम्नास्टिक को चार भागों में बांटा था, शैक्षिक जिम्नास्टिक, सैनिक जिम्नास्टिक, स्वास्थ्यवर्धक जिम्नास्टिक एंड कलात्मक जिम्नास्टिक। और इनका पुस्तक है जनरल प्रिंसिपल ऑफ जिम्नास्टिक। फिर इनके मरने के बाद इनके पुत्र जो है, इनके पुत्र का नाम था जालमर लिंग और इसके पुत्र ने लिंगयार्ड उत्सव मनाया पर हेनरिक अपने पिता के याद में। प्रथम लिंगयार्ड 1939 में स्टॉकहोम स्वीडन में पर हेनरिक लिंग की वर्षगांठ मनाई गई। एंड द्वितीय लिंगयार्ड जो 1949 स्टॉकहोम स्वीडन में ही हुआ, जिसमें भारतीय व्यायाम दल के रूप में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल अमरावती महाराष्ट्र में सारी गतिविधियों का सुंदर प्रदर्शन किया था उसमें, द्वितीय लिंगयार्ड में, तो याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है फ्रेंच नेसगाल ने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो दोस्तों ये डेनमार्क में शिक्षा को 7 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य दिया इन्होंने बताया था। और फ्रेंच नेसगाल जो है ने क्या पुस्तक लिखा था, फ्रेंच नेसगाल ने मैनुअल जिम्नास्टिक नामक पुस्तक लिखा था, यानी कि इसका हिंदी में होगा जिम्नास्टिक पुस्तिका एंड जिम्नास्टिक फॉर सेकेंडरी स्कूल भी उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है दोस्तों, 1936 बर्लिन ओलंपिक में मशाल दौड़ शुरू करने का श्रेय किसे जाता है। तो यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन बन गया कि मशाल दौड़ कब शुरू हुआ था, तो 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसको शुरू करने का श्रेय किसको है, तो कार्ल डाइम को। नेक्स्ट दोस्तों, जिम्नास्टिक का पितामह किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जिम्नास्टिक का पितामह कहा जाता है जॉन क्रिस्टोफर फेडरिक गर्ट्समर्स को। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गर्ट्समर्स, जिसमें जर्मनी में जिम्नास्टिक के पितामह कहे जाते हैं।
और इन्होंने दो पुस्तक लिखी, गर्ल्स मर्स ने जिम्नास्टिक फॉर द यंग एंड खेल। नेक्स्ट है, कोलेजियम का संबंध किसके इतिहास से संबंधित है? तो दोस्तों जो कोलेजियम है, जिसे थन फॉर बाथ कहा जाता है, व्यायाम के लिए प्रयोग होता था, स्नान के लिए होता था, तो उत्तरार्ध रोम काल में ये प्रसिद्ध था। तो ये रोम काल में आपका प्रसिद्ध है कोलेजियम। थन फॉर बाथ की बात करें तो पूर्वाध उत्तरार्ध रोम काल में, और जब कीचड़ स्नान यानी मड बाथ की बात करें तो पूर्व एथेंस काल में आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, नीमियन खेलों में किसकी पूजा की जाती थी? तो दोस्तों जैसे कि पूर्व एथेंस काल में पान हेलनिक खेल उत्सव होता था, जिसमें चार खेल उत्सव होता था, ओलंपिक, पीथियन, स्थिमियन, नीमियन। ओलंपिक खेल जीएस देवता के सम्मान में, यानी जीएस देवता को आकाश देवता भी बोला जाता था, कि श्रद्धांजलि में होता था ओलंपस पर्वत पर। आज पीथियन खेल जो होता था वो अपोलो यानी सूर्य देवता की श्रद्धांजलि के लिए डेल्फी पर्वत के मैदान पर होता था। जो स्थिमियन होता था वो समुद्र देवता यानी पोसिडियन की श्रद्धांजलि के लिए कोरिंथ नामक स्थान पर होता था। जो नीमियन खेल होता था वो जीएस देवता की श्रद्धांजलि के लिए आर्गलीज नामक स्थान पर होता था। तो ओलंपिक और नीमियन दोनों जीएस देवता के सम्मान में होता था। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ज्यूस। ठीक है, ज्यूस। नेक्स्ट है दोस्तों, क्रिकेट में कितने अंपायर होते हैं? तो दो फील्ड में होते हैं, एक टीवी स्क्रीन पे होते हैं, एक रिजर्व होते हैं, यानी कुल चार हो गए। नेक्स्ट है, YMCA यानी यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन चेन्नई के पहले डायरेक्टर यानी निदेशक कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा AG नोहराम, जबकि पहले अध्यक्ष थे SC बक। आपको पता है कि जो YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, यंग मैन क्रिश्चियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना 1920 में मद्रास चेन्नई में अमेरिका से आए हुए विशेषज्ञ SC बक यानी हैरी क्रोबक के द्वारा किया गया, जिसे भारत में शायद शिक्षा का पितामह भी इनको कहा जाता है। YMCA की स्थापना सबसे पहले 6 जून 1844 में जॉर्ज विलियम के द्वारा लंदन में किया गया था। उसके बाद अमेरिका में 1883 में स्प्रिंगफील्ड में YMCA प्रशिक्षण स्कूल की शुरुआत किया गया था, और भारत में 1920 में मद्रास चेन्नई में, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, IOC का गठन कब किया गया? IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का गठन 23 जून 1894 में बैरन पियर डी कुबर्टिन के द्वारा पेरिस के सर्वो नामक स्थान पर किया गया था। इसका मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट है, भारत में स्काउट को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो दोस्तों भारत में स्काउट को शुरू, जैसे कि सबसे पहले स्काउट एंड गाइड को शुरू किया था रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल ने, और जबकि भारत में शुरू करने का श्रेय मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। कि इसमें जो ऑप्शन दिया है उसे मदन मोहन मालवीय आपका राइट होंगे। नेक्स्ट है, विश्व में स्काउट एंड गाइड को शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है रॉबर्ट बॉडेन पॉवेल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट है, NSS का शुरुआत किस महापुरुष ने के 100वें जन्मदिन दिवस के रूप में किया जाता है? तो दोस्तों NSS नेशनल सर्विस स्कीम को महात्मा गांधी, जो 1969 में महात्मा गांधी के 100वें जन्मदिवस के अवसर पर इनको बनाई गई थी, याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCERT की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों NCERT की स्थापना हुआ 1961 में। ठीक है, 1961 में NSNIS पटियाला का भी स्थापना हुआ था, तो NCERT की स्थापना 1961 में हुआ। NCERT का फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों फुल फॉर्म इसका जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार NCTE का पूछा था, इस बार दूसरा पूछ सकता है NCERT का, तो इसलिए फुल फॉर्म भी याद जरूर करिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना किसके निरीक्षण में किया गया था?
तो दोस्तों लखनऊ क्रिश्चियन कॉलेज की स्थापना ईडब्ल्यू टेड मॉम्बी के निर्देशन में किया गया था 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीसी राष्ट्रीय कैडेट कोर को शुरू करने का जो श्रेय है किसे जाता है? तो राष्ट्रीय कैडेट कोर को शुरू करने का श्रेय जाता है पंडित हृदयनाथ कुंजरू को, और एनसीसी की जो स्थापना है 1948 में किया गया। नेक्स्ट है, अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो दोस्तों अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। नेक्स्ट है, मांसपेशियों की ताकत मापने का यंत्र कहलाता है, तो स्ट्रेंथ मापने का यंत्र है डायनेमोमीटर। क्या है? डायनेमोमीटर। एंड यहाँ पे स्किन फोल्ड कैलिपर वसा मापने का, स्फिग्नोमेटर ब्लड प्रेशर मापने का, स्पायरोमीटर फेफड़ों की क्षमता मापने का, वायु क्षमता मापने का। नेक्स्ट है, लॉ ऑफ मोमेंटम संवेग का नियम न्यूटन के किस नियम को कहा जाता है? तीन नियम दिया, जड़ता का नियम, संवेग का नियम, अंक्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो संवेग का नियम न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रासन से शरीर की कौन सी मसल्स जो है वो कंट्रैक्ट होती है? तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा जो कंट्रैक्ट होती है आपका सोलियस मसल्स, बैक मसल्स। दोस्तों कौन सा मसल्स? बैक मसल्स। बैक मसल्स जो है वो सबसे ज्यादा संकुचित होती है चक्रासन करने से। नेक्स्ट है, फीना में यन से क्या तात्पर्य है? फीना जो तैराकी का अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो फीना में यन से तात्पर्य नेशन से है, नेशनल नहीं है दोस्तों, नेशन। ठीक है, याद रखिएगा, इसलिए इसको पूछा गया है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, वसा द्वारा ग्लाइकोजन का निर्माण करना क्या कहलाता है? दोस्तों वसा और प्रोटीन दोनों के द्वारा ग्लाइकोजन के निर्माण प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ऑप्शन नंबर घ आपका राइट आंसर होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस। एंड आपका ग्लाइकोजन से ग्लूकोज निर्माण प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहा जाता है, ग्लूकोजिनोसिस कहा जाता है, और जबकि वसा और प्रोटीन के द्वारा ग्लाइकोजन के निर्माण प्रक्रिया को ग्लूकोनियोजेनेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, प्रयास या त्रुटि यानी ट्रायल एंड एरर्स थ्योरी किसने दिया था? आपको पता ही है, थार्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट है, कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है पैराथायराइड ग्लैंड। देखें जो थायराइड ग्लैंड के पीछे मटर के दाने के समान चार की संख्या में होता है, पैराथायराइड ग्लैंड जो है वो कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, कैल्शियम के चयापचय को नियंत्रित करता है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय फुटबॉल टीम ने किस ओलंपिक में पहले चार में अपना स्थान बनाया था? तो सबसे पहले ये स्थान आपको बनाया हुआ था मेलबोर्न ओलंपिक 1956 में। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ओलंपिक खेलों में भारतीय फुटबॉल ने सबसे पहली बार भाग लिया 1948 लंदन ओलंपिक में, जिसमें टीम के कप्तान थे भारत के टीम बेंगल, और इसमें अपना पहला मैच 2-1 से फ्रांस से हार गया था। भारत की तरफ से ओनली एक गोल सारंग पानी रमन ने किया था। फिर दूसरी बार भाग लिया फुटबॉल भारतीय फुटबॉल ने ओलंपिक में 1952 हेलसिंकी फिनलैंड में, जिसमें कप्तान थे शैलेश मुन्ना, भारत की टीम यूगोस्लाविया से हार गई थी। फिर तीसरी बार भाग लिया भारतीय फुटबॉल टीम ने 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया ओलंपिक में, जिसमें भारत के लिए अभी तक का सबसे अच्छा ओलंपिक रहा फुटबॉल के लिए, चौथा स्थान प्राप्त किया इसमें, और भारत पहली व आखिरी बार ओलंपिक में चारवें स्थान पे, चौथे स्थान पे आया, उसके बाद कभी नहीं आया। और फिर चौथा बार भाग लिया 1960 रोम इटली ओलंपिक में, और भारत की टीम के कप्तान पीके बनर्जी थे। भारतीय फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल में के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, और फ्रांस को 1-1 से बराबरी पर रोका। इस ओलंपिक के बाद यानी 1960 रोम इटली ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। नेक्स्ट है, ओलंपिक के स्वर्ण पदक में सिल्वर की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपका बीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था।
पीपीएससी टीआई 2 में पूछा हुआ था कि ओलंपिक स्वर्ण पदक निम्न में से किससे बनता है, तो दोस्तों स्वर्ण पदक 6 ग्राम सोने से मढ़ा हुआ होता है और कम से कम 92.5% चांदी से मढ़ा हुआ होता है। तो सोने से कितना, 6 ग्राम सोना और 92.5% चांदी। तो यहाँ पे चांदी यानी सिल्वर की बात कहा है तो क्या हो जाएगा, 92.5% यहाँ पे चांदी से मढ़ा होता है और 6 ग्राम सोने से मढ़ा होता है। याद रखिएगा, ये चीज याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे आत्महत्या की थैली यानी सुसाइडल बैग कहा जाता है। तो आपको पता है हमारे कोशिकाओं में शरीर की सफाई करने का काम करता है लाइसोसोम। कौन करता है, लाइसोसोम। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, जो आत्महत्या की थैली यानी कि मरे हुए कोशिकाओं को खा लेता है, भक्षण कर लेता है। और ये एटम बम भी कहलाता है एंड डाइजेस्टिव बैग भी कहलाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस। आई होप कि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी डाउट होगा कमेंट में जरूर बताइए और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी कीजिए दोस्तों, जिससे और लोगों तक वीडियो पहुंच सके। एंड इसी तरह डेली बेसिस मेरे साथ बने रहिए, डेली बेसिस प्रैक्टिस कीजिए, अपने कमियों को ढूंढिए और उसको फिर से रिवाइज कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो प्रैक्टिस में, तब तक के लिए जय हिंद।